Hey guys, welcome to our channel. My name is Afsar and you watching technical Afsar YouTube channel. तो guys, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने ऐप्स को हाइड कर सकते हैं अपनी होम स्क्रीन के ऊपर से. तो guys, आपको वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है. अगर आप वीडियो को स्किप अगर कर देंगे तो आपको स्टेप समझ में नहीं आएगी और आप जो है तो अपने ऐप्स को हाइड नहीं कर पाएंगे. तो गाइज, उससे पहले आप इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप जैसे ही आप लाइक करेंगे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाता है. मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करता हूँ. तो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके के इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियो डेली लाता रहता हूँ. तो गाइज, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, तो इस एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप डायरेक्टली इसे प्ले स्टोर पर से जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं. तो गाइज, सिंपली आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है एपेक्स लॉन्चर. तो गाइज, इस एप्लीकेशन का इंटरफेस आपको कुछ, इस एप्लीकेशन का आइकॉन आपको कुछ इस तरीके से दिख जाएगा. तो गाइज, आपको सिंपली इस एप्लीकेशन को ओपन करना है और गाइज, अब आपको यहाँ पर ध्यान से इसके सारे स्टेप्स को समझना है. तो गाइज, इसका पूरा जो प्रोसेस है सेटिंग का, वो आपको किस तरीके से करना है. यहाँ पर मिलेगा आपको दो ऑप्शन, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल. तो आपको जिस भी टाइप में अपने ऐप्स को ओपन करना है आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है. तो गाइज, मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट कर लेता हूँ. उसके बाद गाइज, सिंपली आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है. गाइज, उसके बाद मिलेगा आपको यहाँ पर राउस का ऑप्शन. आपको जितने रॉज इसमें रखना है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पर 5 को सिलेक्ट रखता हूँ. गाइज, आपको सिंपली यहाँ पर इसे नेक्स्ट कर देना है. आप डायरेक्टली वैसे इसे स्किप भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर अगर आप इसे सेट करेंगे तो आपके मन मुताबिक यहाँ पर सारी चीज़ें सेट हो जाएगी. गाइज, उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट कर लेना है. फिर आपको मिलेगा यहाँ पर स्टार्ट फ्री ट्रायल. तो गाइज, यहाँ पर आपको सिंपली स्किप कर देना है और यहाँ पर दिखेगा आपको फिर से एक फ्री ट्रायल का ऑप्शन आएगा. आपको सिंपली इसे भी यहाँ पर स्किप कर देना है. गाइज, जैसे आप स्किप करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखा देगा कि यू आर ऑल सेट. तो आपको सिंपली यहाँ पर होम स्क्रीन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपना जो लॉन्चर है उसे सेट कर लेना है. जैसे कि यहाँ पर आपको एपेक्स लॉन्चर को सेट कर लेना है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है. और जैसे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर दिखाएगा क्या आपको इसे अंदर जाकर परमिशन देना है. तो गाइज, यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि मेरी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर सेट हो चुकी है. मेरा जो लॉन्चर है वो भी एपेक्स लॉन्चर सेट हो चुका है. तो गाइज, अब आपको सिंपली क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ. अगर आपको ऐप्स को अगर हाइड करना है तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा जो मोबाइल का इंटरफेस है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है. यहाँ पर सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है. गाइज, अभी मेरी जो सारी जो ऐप्स है, अब मैं जैसे इसे ऊपर की तरफ स्लाइड करूँगा तो मेरी सारी जो ऐप्स है यहाँ से ओपन हो जाएगी. और जैसे हमने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सेट किया था तो यहाँ पर हमारी ऐप्स इस तरीके से ओपन हो जाएगी. गाइज, अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन को किस तरीके से यहाँ पर हाइड करना है. तो अभी मैं आपको उसके लिए भी बता देता हूँ. यहाँ पर आपको दिखेगा एक एपेक्स सेटिंग, आपको ध्यान में रखना है. यह ऑप्शन आपका कहीं पर भी जा सकता है. तो आपको सिंपली एपेक्स सेटिंग के अंदर क्लिक करना है. उसके बाद दिखेगा आपको यहां पर हिडन ऐप्स वाला ऑप्शन. आपको सिंपली यहां पर हिडन ऐप्स पर क्लिक करना है. उसके बाद यहां पर दिखेगा आपको ऐड हिडन ऐप्स का ऑप्शन. आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है. उसके बाद गाइज, यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि मेरे मोबाइल के अंदर सबसे पहले कुछ एप्लीकेशन ऊपर आ रही है. तो मैं यहाँ पर सेकेंड लाइन वाली जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन को यहाँ पर हाइड कर लेता हूँ. तो गाइज, सिंपली आपको टिक कर लेना है आपको जिन जिन एप्लीकेशन को हाइड करना है. तो गाइज, मैं यहाँ पर सेकेंड लाइन और यहाँ पर कुछ और भी एप्लीकेशन जो मुझे अगर ऊपर अगर दिख जाती है तो ठीक है, वरना हम इसे स्किप कर देंगे. गाइज, यहाँ पर दिख रहा है आपको व्हाट्सएप. तो गाइज, ये व्हाट्सएप को भी मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ. उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर हाइड पर क्लिक करना है. गाइज, यहाँ पर दिख रहा है आपको हाइड 3 ऐप्स. आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है. उसके बाद आपकी जो ऐप्स है वो यहाँ से हाइड हो जाएगी. तो गाइज, जैसे ही आपको ऑप्शन दिखता है आपको यहाँ पर सिंपली इसे बैक कर देना है. और गाइज, जैसे आप बैक करेंगे तो अब मैं आपको बता दूँ कि मेरे मोबाइल के अंदर अभी आपको सेकेंड लाइन वाला ऑप्शन और आपको व्हाट्सएप वाला ऑप्शन नहीं दिखेगा. गाइज, यहाँ पर मेरे मोबाइल के अंदर बहुत सारे व्हाट्सएप है, इसलिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक व्हाट्सएप. बट गाइज, ये जो व्हाट्सएप है ये अलग व्हाट्सएप है. बट अभी आप देख सकते हैं कि मेरे मोबाइल में आपको सेकेंड लाइन की एप्लीकेशन कहीं पर भी नज़र नहीं आने वाली. मतलब गाइज, वो भी हाइड हो चुकी है. तो गाइज, हाइड हुई हुई एप्लीकेशन को कैसे देखना है, आपको सिंपली यहाँ पर आ जाना है अपने एपेक्स सेटिंग में. उसके बाद आपको आ जाना है पर हिडन ऐप्स में. और गाइज, यहाँ पर दिख जाएंगे आपको अपनी एप्लीकेशन. आप गाइज, जैसे ही यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इस एप्लीकेशन को इजीली एक्सेस कर पाएंगे कुछ इस तरीके से. गाइज, अगर आप चाहते कि इस एप्लीकेशन को अनहाइड कर देना तो गाइज, यहाँ पर सिंपली आपको अनहाइड का एक ऑप्शन दिखेगा. आप जैसे इस पर
अनहाइड पर क्लिक करेंगे तो आपकी सारी जो एप्लीकेशन है वो अनहाइड हो जाएंगे और आपके डेस्कटॉप पर मतलब कि आपके स्क्रीन पर होम स्क्रीन के ऊपर दिखने लगेंगे। तो गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड लाइन, और उसके बाद यहाँ पर हम व्हाट्सएप की बात कर रहे थे तो गाइज़ आप यहाँ पर व्हाट्सएप भी देख सकते हैं कि सारे जो व्हाट्सएप है हमारे वो यहाँ पर आ चुके हैं। तो गाइज़ इस तरीके से आप अपने एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको अपना मोबाइल का जो लॉन्चर है वो आपको एपेक्स लॉन्चर सेट करना पड़ेगा। आपको डिफ़ॉल्ट में यहाँ पर एपेक्स लॉन्चर को सेट कर लेना पड़ेगा। तो गाइज़ आई होप कि आपको समझ में आ चुकी होंगी सारी चीज़ें और आपको वीडियो लगी होंगी अच्छी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके के इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियोज़ डेली लाता रहता हूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।